है उनमें 10,000, L2 अस्पताल में 5,000 और L3 अस्पताल में यानी वेंटिलेटर युक्त जो व्यवस्था है वो 2,000। फिर से मैं बता दूं, L1 अस्पताल में 10,000, L2 जहां ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है वहां 5,000 और जहां वेंटिलेटर होगा हर बेड पर वहां 2,000, यानी 17,000 हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग में बढ़ाने के लिए कहा है। और इसके साथ साथ 35,000 उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग में कहा है, यानी 17,000 और 35,000 कुल 52,000 होता है। और जो 35,000 का ब्रेकअप है चिकित्सा शिक्षा विभाग में, उसमें 20,000 L1 लेवल पर यानी बेसिक लेवल पर, 10,000 जो है L2 लेवल पर यानी ऑक्सीजन युक्त, और 5,000 वेंटिलेटर युक्त और बढ़ाने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कुल प्रदेश में 52,000 और कोविड हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। 52,000 में 17,000 स्वास्थ्य विभाग में, और स्वास्थ्य विभाग के विदिन जो 17,000 है उसमें 10,000 L1 पर, 5,000 ऑक्सीजन युक्त L2 पर, 2,000 वेंटिलेटर युक्त L3 पर, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 35,000, 20,000 जो है L1 लेवल पर, 10,000 जो है L2 लेवल पर ऑक्सीजन युक्त, और 5,000 जो है L3 लेवल पर यानी वेंटिलेटर युक्त बेड बढ़ाने का निर्देश आज दिया है। और बहुत L1 में चिकित्सा विभाग में कुल मिला के 10,000, चिकित्सा शिक्षा विभाग में मिलाकर 20,000, L2 में चिकित्सा विभाग में कुल मिला के 5,000 ऑक्सीजन युक्त जो बेड्स होते हैं, और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 10,000 यानी 15,000 कुल हो गए। और L3 लेवल यानी जहां पर वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, चिकित्सा विभाग में 2,000 और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 5,000 यानी 7,000। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर 52,000 नए बेड्स क्रिएट करने का, विस्तार करने का, क्षमता विस्तार करने का बृहद योजना उन्होंने तैयार करने और तत्काल इम्प्लीमेंट करने का निर्देश दिया है। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने कल भी और आज भी बैठक की है माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी यानी जयप्रताप साहब और सुरेश खन्ना साहब दोनों से रिक्वेस्ट की है कि इस कार्य को आज हर हालत में जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए, और उनके सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कोविड हॉस्पिटल्स में पूरी तरह प्रोटोकॉल का पालन करने और संक्रमण से सुरक्षा के उपाय का भी निर्देश आज दिया है। कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखना है, ये अत्यंत आवश्यक है, तो पर्याप्त संख्या में PPE किट्स और N95 मास्क भी उपलब्ध हो, यह आदेश भी दिया है। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि कोविड अस्पतालों में आयुष के चिकित्सक और पैरामेडिक्स का प्रशिक्षण भी कराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने व्यापक स्तर पर टेस्टिंग करने का निर्देश आज पुनः दिया है। जो लोग बाहर से वापस आ रहे हैं उनके लिए क्षमता वृद्धि करते हुए पूल टेस्टिंग कराई जाए, इस पर भी उन्होंने निर्देश दिया है। पूल टेस्टिंग में आपको मालूम है कि एक ही साथ भारी संख्या में लोगों का टेस्ट हो सकता है, तो इस निर्देश को भी उन्होंने दिया है। और वैश्विक स्तर पर जो टेस्टिंग है उसकी क्षमता बढ़ाने का, परीक्षण करने का और नवीनतम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, और जो लॉकडाउन का दुरुपयोग करे उन पर सख्ती से कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। सभी आवश्यक सामग्री प्रॉपरली मिल जाए सबको, कालाबाजारी, जमाखोरी और घटतौली ना हो, उन पर भी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी ने एक नया आज निर्देश दिया है कम्युनिटी सर्वेलेंस का, जिसमें कि युवा वॉलंटियर्स को, युवक मंगल दल को, नेहरू युवा केंद्र को, NCC को, NSS की सेवा लेने के लिए निर्देशित किया है।
और जो क्वारंटाइन सेंटर है, आश्रय स्थल है, वहां पर लोगों के भोजन तैयार करने में महिला स्वयं सहायता समूह को भी जोड़ा जाए, ये भी आदेश उन्होंने दिया है और इसके लिए निर्देश दिया है कि हर गांव में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए वॉलंटियर्स की, इस पर एक कार्रवाई करके लोगों को जोड़ने की व्यवस्था हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के लिए कड़ी सजा दिलाने के लिए जो महामारी रोग अधिनियम है, जो एपिडेमिक्स एक्ट है 1897, उसमें संशोधन करने का अध्यादेश लाने का भी निर्णय लिया है। यानी जो 1897 का एक्ट है उसमें जो सजा दिलाने की व्यवस्था स्वास्थ्य कर्मियों पर कहीं अगर अटैक होता है तो उस पर भी नया कानून का पार्ट लाने का निर्देश उन्होंने दिया है। नए कानून में स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को वृद्धि होगी और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ कोरोना वॉरियर जो है, हमारे स्वच्छता कर्मी, पुलिस कर्मी, राज्य सरकार के अन्य लोग, उनको लड़ने में या नामित अन्य कर्मियों को जो कोरोना की लड़ाई में शामिल है, उनको हर हाल में सुरक्षा मिलेगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार एक नया अध्यादेश ला रही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि अध्यादेश तत्काल लाया जाए जिससे कि महामारी एक्ट में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दंड को और मजबूत करके लोगों को सुरक्षा और बेहतर दी जा सके और उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने परिवहन निगम द्वारा जो अत्यंत सराहनीय कार्य किया है, उन सभी बच्चों को, कोटा के जो छात्र आए थे, छात्राएं आई थी, सुरक्षित गंतव्य पर पहुंचाने पर परिवहन निगम और उनके सभी अधिकारियों का विशेष जो है उनको उनकी सराहना की है। विभिन्न जनपदों में कोविड-19 के दौरान जो अच्छे कार्य हुए हैं, उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सक्सेस स्टोरीज का प्रकाशन करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। कल आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी ने कई छात्रों से जो है 1-to-1 इंटरेक्शन किया, वाराणसी के छात्रा के साथ किया, उन्होंने गोरखपुर की छात्रा के साथ किया, लखनऊ की छात्रा के साथ किया, कुछ छात्रों के साथ भी किया और बहुत ही सहज भाव से छात्रों ने अपनी बात की और बहुत ही सहज भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी छात्रों से इंटरेक्शन किया, आपने सबने देखा है। तो ये बहुत ही सफल इंटरेक्शन रहा, छात्र बहुत ही खुश रहे और प्रत्येक छात्र को उन्होंने हिदायत दी कि वो होम क्वारंटाइन में रहें, कोरोना से लड़ने की लड़ाई में एक वॉरियर के रूप में सामने आए और साथ साथ अपने भविष्य के लिए निश्चय ही पढ़ते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग भी वहां पर घर परिवार में भी मेंटेन करें। नोडल अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उन्होंने फोन पर उन्हें उपलब्ध रहने का और दिक्कतों को दूर करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। जो हमारे श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनको संस्थागत क्वारंटाइन में पूरा करने पर होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, यह निर्देश भी दिया है। भरण पोषण के लिए पात्र लोगों को भत्ता दिया जाएगा। मनरेगा, ODOP, श्रम सम्मान, महिला स्वयं समूह को प्रवासी श्रमिकों को जोड़कर रोजगार के अवसर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जो समीक्षा की है तो यही निर्देश दिए हैं कि रेड जोन ऑरेंज में परिवर्तित हो, ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में परिवर्तित हो, जिससे ऑरेंज और ग्रीन जोन में औद्योगिक गतिविधियों को आगे किया जा सके। औद्योगिक विकास विभाग बहुत ही जल्दी इस पर एक कार्य योजना भी तैयार कर रही है। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सेक्टोरियल नीतियों में आवश्यक संशोधन किया जाए, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं और ये भी कहा है कि निर्माण इकाइयों में सैनिटाइजेशन की अच्छी व्यवस्था हो और श्रमिक वहां पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें और उनके लिए फूडिंग और लॉजिंग की व्यवस्था हो, ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जो निर्देश आज बैठक में मुख्यमंत्री जी ने दिए उसमें 52,000 जो अतिरिक्त बेड्स बनाने हैं, ये एक महत्वपूर्ण निर्देश है और जो नया अध्यादेश लाना है महामारी एक्ट में और मजबूत करने के लिए कार्रवाई, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
आप सबको मालूम है कि औद्योगिक इकाइयों को लगातार चालू किया जा रहा है और ऐसे में औद्योगिक इकाइयों को चालू करते हुए अब आपको जानकर खुशी होगी कि 8,140 औद्योगिक इकाइयों को अब चालू कर लिया गया है और लगभग 3,43,000 इन औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक हमारे या कामगार हमारे कार्यरत हैं। इनमें से 294 जो है सतत इकाइयां हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस की इकाइयां हैं। चीनी मिलों में भी अब 40 चीनी मिलों ने अपना काम पूरा कर लिया है, गन्ना कटाई का और पिराई का। 40 चीनी मिलों ने अपना काम 119 में पूरा कर लिया है और लगभग 60,000 मजदूर अभी भी जो है श्रमिक अभी भी कर्मचारी अभी भी चीनी मिलों में लगे हैं, चूंकि उसमें सफाई धुलाई और बाकी आगे कार्य भी होते हैं। 8,110 औद्योगिक इकाइयों में 3,43,000 लोग काम कर रहे हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, वो भी अब 35,283 खुल गए हैं। जो ₹1,000 श्रमिकों को भुगतान हो रहा है उसमें भी अब 29 लाख लोगों को बांट दिया गया है। 290 करोड़ रुपए की धनराशि भी बांट दी गई। 290 करोड़ रुपए दिया गया और 29 लाख 8 हजार लोगों को ये बांटा गया। ईंट भट्टों का भी काम तेजी से चल रहा है और ये निर्देश आज दिए गए हैं कि ईंट भट्टों के साथ साथ जो लोहे की दुकानें हैं, जो गिट्टी वगैरह का जो कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं, जहां ग्रीन जोन है या जहां ऑरेंज जोन है, रूरल एरिया है, जहां अनुमति डीएम दे सकते हैं, ऐसी जगहों पर इस तरह के निर्माण कार्यों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। ये आदेश गृह विभाग से आज चला गया। कल हमने आपको बताया था कि ईंट भट्टों के ट्रांसफर में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये निर्देश गया है। आज ये भी निर्देश गया है कि ईंट भट्टों के आवागमन के साथ साथ लोहे यानी छड़ और जो बाकी बिल्डिंग मटेरियल है, गिट्टी है, बालू है, उसके संदर्भ में जहां दुकानों को अनुमति डीएम दे सकते हैं, वो डीएम अनुमति तत्काल दे दें, जिससे निर्माण कार्य भी अब तेजी से अनुबंध एरियाज में शुरू हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिव्यू किया, आज ये पाया कि अब लगभग 11 लाख लोग एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे हैं या दिनों दिन जो है यहाँ हमारी लेबर की संख्या भी बढ़ रही है और तेजी से हमारा काम एक्सप्रेसवे पर हो रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अब 14,156 करोड़ के 238 कार्यों पर काम शुरू कर दिया है। लघु सिंचाई ने भी 112 डैम के कार्य, 136 तालाब के कार्य शुरू कर दिए हैं। सिंचाई विभाग ने भी 102 परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। ग्रामीण पेयजल ने 83 परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। आवास विभाग ने भी 97 परियोजनाएं अपनी शुरू कर दी हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि ग्राम पंचायतों में अब लगभग आधे से अधिक ग्राम पंचायतों में, यानी 28,928 ग्राम पंचायतों में 8,83,496 अकुशल श्रमिक जो है ग्राम पंचायतों में 51,919 मजदूरों के कार्यों में काम कर रहे हैं। नए मजदूरों में 25,000 नए मजदूरों का जॉब कार्ड भी बना दिया गया है, यानी जो मजदूर गांव में लौटे हैं उनमें से नए मजदूरों के 25,000 जॉब कार्ड बना दिए गए हैं। और सफाई कर्मी भी सैनिटाइजेशन में गांव स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हरियाणा से लौटे हमारे श्रमिक भाई जो है सभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखे गए हैं और आपको ये भी हम बता सकते हैं कि बहुत जल्दी ही आज शाम तक प्रयागराज में जो परसों हमने अनाउंस किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि प्रयागराज के बच्चों को घर भेजा जाए, तो अब तक 351 बसें सुबह तक जो है घर जा चुकी थी बच्चों को लेकर और शेष 150 बसें भी आज दिन में कार्य पूरा कर लेंगी। लगभग 500 बसों का ये पूरा
व्यवस्था होगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार प्रयागराज से बच्चे भेजे गए। एक बस का एक्सीडेंट हुआ था लेकिन सभी बच्चे सेफ हैं और छोटी मोटी चोट है, ड्राइवर को थोड़ी सी चोट है, उनको सबको अयोध्या में देख लिया गया है और सबको सुरक्षित घर भेज दिया जा रहा है या भेज दिया गया। टोटल बच्चे जो है लगभग 15,000 करीब लग रहे हैं, 15,000 से अधिक बच्चे होंगे, अभी काउंटिंग चल रही और प्रत्येक बच्चे का भी विवरण जो है रखा जा रहा है। हॉटस्पॉट क्षेत्र में मजबूती से कार्य हो रहा है, लॉकडाउन की कार्रवाई भी अब और तेज हो गई है और सामान्यतः लॉकडाउन का पालन लोग कर रहे हैं लेकिन जहां नहीं कर रहे हैं वहां FIR दर्ज हो रही है और 33,000 FIR अब कर दी गई, 94,000 लोगों को नामजद किया गया है, वाहनों की भी काफी मात्रा में सीज की गई है, 33,000 वाहन सीज किए गए और 13,18,00,000 रुपया भी वसूल कर लिया गया है। हॉटस्पॉट्स में भी जो है मजबूती से कार्रवाई की गई है, अब हमारे 381 हॉटस्पॉट्स है जो 259 थाना क्षेत्रों में 57 जनपदों में कार्य कर रहे हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र में सप्लाई की व्यवस्था भी मजबूती से की जा रही है, अब 44,000 वाहनों से सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है, 36,00,000 लीटर दूध का वितरण किया गया है, 51,000 होम डिलीवरी की गई है, की गाड़ियां लगाई गई हैं, कुल मिलाकर अब तक 3,55,00,000 राशन कार्ड में, आज 29 तारीख तक 3,31,00,000 राशन कार्ड में, यानी 95% से भी अधिक राशन कार्ड पर जो है वितरण हो गया है और कुल मिलाकर 6,84,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण हुआ है, चावल और गेहूं का। फूड पैकेट भी अब लगातार प्रतिदिन 12,35,000 कल हुए हैं, लगभग 12,00,000 से अधिक फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। गेहूं क्रय में भी अब काफी तेजी आई है और 51,00,000 क्विंटल गेहूं की जो है खरीद हो गई है। कुछ मौसम एक दो दिन थोड़ा सा बिगड़ा था, उस पर भी सभी जगह जो है फसल के नुकसान के आकलन का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दे दिया गया। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश में इस पूरी आपदा में जो कार्रवाई हो रही है, प्रत्येक शहर का जहां पर वरिष्ठ अधिकारी गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक एक अधिकारी से स्वयं बात करके, वरिष्ठ प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से बात करके उनसे एक एक की समीक्षा कल शाम को भी पुनः अलग से की है और एक एक जनपद में जहां जहां संभव है वहां सुधार किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा भी अपने जो भी कार्य है वो करे जा रहे हैं और साथ साथ जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो भी फील्ड में निरंतर गश्त दे रहे हैं और गश्त देकर जो है कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपनी ओर से स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताने का कष्ट करें, जो 52,000 अतिरिक्त बेड स्थापित करने हैं स्वास्थ्य और स्वास्थ्य चिकित्सा में, वो मैंने कुछ ब्रीफ आप बताया उसके बारे में भी विवरण आप कृपया उपलब्ध करा दें। धन्यवाद। आज इस समय तक जो हमारे पास जानकारी है, प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,115, इसमें से 2,115 इनमें से 477 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिसइंफेक्ट होने के बाद इनका जब सेकंड टेस्टिंग हो गई, सेकंड निगेटिव आ गया, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो चुके हैं 477। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 36 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वो कुल 1602 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस प्रदेश में हैं, 1602। कुल 60 जनपदों से संक्रमण के प्रकरण आए हैं जिनमें से 7 आउट ऑफ 60 इस समय उनमें कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। कल भी जो टेस्टिंग हुई, जैसा आपको मैं विगत कुछ दिनों से बता रहा हूं, 4,000 के आसपास रोज टेस्टिंग हो रही है, कल भी 4,071 सैंपल्स टेस्ट किए गए।
3,799 सैंपल लैबोरेटरीज को भेजे गए थे, वो 300 जो अधिक है वो 271 जो अधिक हैं वो जो पीछे का बैकलॉग है वो क्लियर हुआ। 3,799 बैकलॉग अभी कुछ हजार में है, तो वो 2-4 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग के लिए सैंपल्स बहुत एग्रेसिवली कलेक्ट किए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा, तो इसलिए सैंपल्स थोड़े जमा हो गए हैं। हम लोगों ने जिलों को यह भी कहा है कि वो नंबर्स पर नहीं बल्कि स्मार्ट सैंपलिंग करें, जो ICMR के निर्देश हैं बिल्कुल उस निर्देश के अनुसार जो सैंपल्स लिए जाने चाहिए उन सैंपल्स को लें, ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ सैंपलिंग है वो बहुत अच्छी हो, और साथ ही साथ जो सैंपल लेते हैं उसके बारे में भी आज फिर से ट्रेनिंग दी गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कई बार ऐसा होता है कि लैबोरेटरी में जाने के बाद लैब्स ये कहती हैं कि इनको इसका रिपीट सैंपल चाहिए, तो उसके लिए जो सैंपल लेने की टेक्निक है उसके बारे में भी आज जानकारी दी गई है फिर से। और इसमें इस समय अभी तक जो आपको मैं पूल टेस्टिंग के बारे में लगातार बताता हूं, 10 लैबोरेटरीज में पूल टेस्टिंग की गई, 332 पूल टेस्ट किए गए जिसमें 1,612 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई, इनमें से 15 पूल पॉजिटिव आए जिनको फिर अलग करके उनकी टेस्टिंग की गई। 332 पूल में 1,612 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई और 332 में से 15 पूल पॉजिटिव आए थे। आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की संख्या आज 1,769 है, 1769। क्वारंटाइन फैसिलिटी में जो मरीजों की संख्या है या जो संदिग्ध होते हैं उनकी संख्या, पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट और बाकी लोग, वो 11,487 क्वारंटाइन में। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे आइसोलेशन बेड्स की संख्या थी और जो क्वारंटाइन बेड्स की संख्या है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, और कल हम लोगों ने 75 नई इकाइयों को L1 या L1 कोविड केयर सेंटर के रूप में नोटिफाई किया है, और अब आज जो है आइसोलेशन बेड्स की संख्या बढ़कर के 17,194 हो गई है, जो कल तक मैं आपको 10,000 करीब बताता था वो 17,194 वो संख्या हो गई है। और जैसा आपको अभी अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि इसको हम चरणबद्ध रूप से और हम लगातार इसको हम बढ़ाते जाएंगे। क्वारंटाइन बेड्स की संख्या 21,569 हो गई है, और जो हमारे Level 1 के चिकित्सालय हैं वो अब 155, Level 2 के हमारे चिकित्सालय 78 और Level 3 के हमारे 6 चिकित्सालय। तो ये आज की स्थिति थी। और आपको एक चीज और बताना है कि जो जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था उस समय से, चूंकि हेल्थ सर्विसेज में भी जो अन्य सेवाएं थी उन पर भी प्रभाव पड़ा था, तो इम्यूनाइजेशन का वक्त भी चूंकि सब हर तरफ लॉकडाउन था रुक गया था, उसके लिए कल से शासनादेश जारी कर दिया गया है, वैक्सीनेशन की सेवाएं जो है बच्चों के लिए वो तत्काल प्रारंभ हो जाएंगी। हमने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था सभी CMOs के साथ और उनको ये बता दिया गया है कि इम्यूनाइजेशन की सेवाएं प्रदेश में तत्काल प्रारंभ हो जाएंगी, उसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और प्रोटेक्शन वगैरह लेने के वो सब कुछ उसमें मेंशन्ड है, उसको लेते हुए करते हुए इम्यूनाइजेशन इस सप्ताह से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन जो गवर्नमेंट में इम्यूनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आज के वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने चर्चा की है CMOs के साथ, और आज जैसा आपको मैंने कल बताया था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन की ट्रेनिंग आज पूरे प्रदेश में निजी चिकित्सालयों की गई है, और अब वो ये हम आशा करते हैं कि जो भी अस्पताल जो ट्रेनिंग पा चुके हैं वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ अब इमरजेंसी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे। पूरे प्रोटोकॉल के साथ जब इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हर एक मरीज के की टेस्टिंग करवाई जाए कोरोना के लिए यह आवश्यक नहीं होता है।
हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये आवश्यक नहीं है कि हर एक मरीज को कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए उनको फोर्स किया जाए। प्रोटोकॉल का जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए और जिसमें लक्षण हो केवल उनका ही टेस्ट किया जाना चाहिए, हर एक मरीज को इसके लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। थैंक यू। जहां कैपेसिटी होगी बढ़ाने की वहां बढ़ाया जाएगा, जिससे कि पूरे प्रदेश में एक मजबूत व्यवस्था हो सके। तो मुख्यमंत्री जी ने आपको एनालाइज करने के लिए दिया है, आपने एनालाइज करके जहां जहां कैपेसिटी बढ़ाने की क्षमता थी, जहां मेडिकल कॉलेजेस में, जहां अस्पतालों में, वहां बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जब जरूरत पड़ेगी इनका काम होगा। ये 52,000 बहुत क्रिटिकल है, उस पर जल्दी कार्य होगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए न्यूज 9 लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है न्यूज 9 लाइव टीवी, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल्स है @ न्यूज 9 लाइव टीवी।